क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है, जो राशन कार्ड बनाए जाते हैं डीलरों के, उसमें राशन डीलर का कोई रोल नहीं है, कहीं भी उसका नाम नहीं है, ना कहीं साइन होते हैं, ना कोई मतलब है उसमें। दूसरी बात, जो मशीनें लगाई गई हैं उसमें, मशीनों में भी हमें केवल मशीन चलाने की परमिशन है, हमें ये परमिशन नहीं है कि इस मशीन में कहाँ से क्या होगा, क्या फॉल्ट है, क्या नहीं है, क्या कुछ है। तो जो हम पे आरोप लगाए गए हैं कि मशीनों में धांधलीबाजी की गई, वो आरोप निराधार हैं और हम उसमें कहीं भी किसी हद तक भी दोषी नहीं है। कौन आरोप लगाया है और किस तरीके की मशीन जिसमें जालसाजी करने का आपके ऊपर आरोप लगाया है? उसमें आरोप ये लगाया कि इसमें आधार कार्ड वगैरह का कुछ डुप्लीकेसी करके जो है उसमें राशन बेचा गया है, इस तरह का आरोप लगाया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जो है उचित उसकी जाँच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसमें, कोई भी हो, चाहे हम भी हो, कोई भी दोषी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी को मिलनी चाहिए। आरोप किसकी तरफ से लगाया गया? सरकार की तरफ से या फिर? हाँ जी, सरकार सरकार की तरफ से। अगर आप लोगों की ये मांगे नहीं पूरी होती तब आपकी क्या रणनीति? हम हड़ताल पे हैं जी, आज से पूरे प्रदेश, 5 तारीख से ना तो राशन बांटे ना, हड़ताल पे है जी, पूरा प्रदेश हड़ताल पे है 5 तारीख से आज, और 25 तारीख से जो है जेल भरो। अपना परिचय देती है। हम जो किला परीक्षागढ़ तहसील मवानस है, राशन डीलर है। जिला मेरठ। जिला मेरठ। मेरा नाम सुनील है जी।